एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और ये देखिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रसाद इवनिंग के लिए, माथा टेकने के लिए दिवाली पर। और यहाँ बन रही है न्याज, और यहाँ बन रहा है दलिया, और यहाँ बन रही है खीर। और खीर के बाद हलवा भी बनेगा और लड्डू भी बनेंगे, यही भोग लगता है हमारे यहाँ। और यहाँ पे सिस्टर बना रहे हैं, हेलो। हाँ, क्योंकि हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है मेरी तबीयत, कुछ खांसी वगैरह और बुखार वगैरह है ना मेरे को, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। और सिस्टर बना रहे हैं आज, और मम्मी जी की तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मम्मी की भी, इसलिए हम आज इनको लगाया है हमने काम करने के लिए। तो आज आप बनाओ प्रसाद, फिर हम माथा टेकेंगे। अभी पूजा का टाइम है, अभी पूजा करेंगे हम। और यहाँ पे मम्मी जी लगे हुए हैं सामान लगाने के लिए। जय माता दी सभी को, जय माता दी, हैप्पी दिवाली सारे। ये देखिए, अभी सामान लगाएंगे भोग के लिए, मम जो कुछ भी बनाया ना अभी निकालेंगे भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना यहाँ पे पूजा करने के लिए जितनी भी सामग्री वगैरह हमें चाहिए, जो कुछ भी मिठाई वगैरह जो हम अपने भोग के लिए तैयार करते हैं, जहाँ भोग लगाने के लिए, वो सब यहाँ पे रखेंगे। और ये सब मिठाई वगैरह हम लेके आए हैं। और ये देखिए, और पनीर के पकौड़े हैं, और दूसरे पकोड़े भी हैं यहाँ पे, और स्वीट भी थी काफ़ी। और उसके बाद यहाँ पे दिया लगाया जा रहा है, और चार मुख का जो दिया होता है ना वो लगाएंगे यहाँ पे, बड़ा वाला दिया, और उसके बाद तो जो थोड़े से छोटे वाले लगाएंगे दिए। और हमने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हमारे ना यहाँ पे हमारे दादी जी लगते थे, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी वजह से हमने ये पूजा थोड़ा बहुत पूजा कर लिया है। क्योंकि दिवाली तो हम यही दुआ करते हैं कि सभी के लिए दिवाली जो है, दिवाली का त्यौहार है, वो सबके लिए बहुत ही अच्छा आए और सबकी दिवाली अच्छी जाए। और उसके लिए हम यहाँ पे ना, फिर हम पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और दिए जलाए जा रहे थे यहाँ पे। और ना मम्मी जी यहाँ पे ऑयल डाल रही थे दिए में, और उसके बाद यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे और माता रानी की पूजा की जाएगी। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसको थोड़ा आप सब लोग इग्नोर करना प्लीज़, और क्योंकि मेरा ना तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिन से, और गला भी थोड़ा ख़राब है मेरा, उसी वजह से मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत सारी मिठाई भी है यहाँ पे, यहाँ देखो भोग लगाने के लिए जो हमने प्रसाद बनाया है ना, न्याज बनाई थी, दलिया बनाया था, और खीर बनाई थी, और हलवा बनाया था, और लड्डू का भोग भी लगता है, पताशे हैं, दूसरे लड्डू हैं, मोदक हैं, और काफ़ी सारी मिठाई भी थी जो कि भोग लगाने के लिए हम यहाँ पर रखते हैं। और सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज होता है, जैसे कि सभी अलग अलग तरीके से अपनी पूजा करते हैं दिवाली की भी, और उसी तरह ही हम भी, हमारे ससुराल में ऐसा होता है कि हम जो भी भोग लगाना होता है ना, वो खुद से प्रसाद बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। और यहाँ पे चार मुख वाला जो दिया है वो जला लिया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे रख देंगे हम सामने, और जो छोटे वाले दिए हैं उनको भी जलाएंगे। और उसके बाद जैसे कि मेन जो हमारी रंगोली होगी वहाँ पे रख देंगे, और बाहर अपने दरवाजे के पास रख देंगे। और एक दिया, जो दो दिए होते हैं, वो अपने मेन जो हमारा डोर होता है हमारे घर का, उसके सामने रखते हैं, और एक किचन में रखते हैं। और ऐसे ही हम पूजा करते हैं, और बहुत ही अच्छी दिवाली गई है आज हमारी, क्योंकि हर टाइम दिवाली जो है ना हमारी वो अच्छी नहीं जाती थी, और इस बार जो दिवाली है वो अच्छी गई है। और हम दुआ करते हैं कि सभी की दिवाली जो है वो अच्छी जाए। और ये देखिए, यहाँ पे दिए हैं वो जला लिए हैं हमने। और आप सभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारा दिवाली का ये ब्लॉग कैसा लगा है, मेरी शेयरिंग कैसी लगी आपको। और उसके बाद यहाँ पे दिए हमने जला लिए हैं, और दिए जलाने के बाद यहाँ पे दिए रखेंगे और पूजा करेंगे।
और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मेरी दिवाली जो है हमेशा मेरे फौजी साहब के बिना अधूरी रहती है। और उनकी कोई भी मतलब कि ऐसा दिवाली हर टाइम जितनी मतलब कि 3 साल हो गए हमारी शादी को, और अभी तक हमने दोनों ने मिलकर दिवाली नहीं मनाई है। और मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी ही हम दोनों साथ में दिवाली मनाएं। और यहाँ पे भोग लगाने के लिए सामान है वो निकाल रिया है, और यहाँ पे सारा जो भी बनाया हुआ था ना प्रसाद, यहाँ पे इवनिंग में बनाया था ना, वो सारा प्रसाद लेकर और भोग लगाएंगे माता रानी को। और आप सभी देख सकते हो ये सारा सामान जो भी बनाया हुआ है ये सभी लेकर यहाँ पे माथा टेकेंगे, भोग लगाएंगे। और धीरे धीरे करके जो भी हमने स्वीट डिश भी लाई थी, जो खाने का सामान लाया था, वो भी हम यहाँ पे रखेंगे और भोग लगाएंगे। और आप सभी के यहाँ कैसे करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और हमने काफ़ी इंजॉय भी किया है आज दिवाली को, एंड अपने हस्बैंड को तो मैं मिस करती हूँ, उन्हें मिस करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पेड़े हैं, और पेड़े भी बहुत ही टेस्टी थे ये पेड़े भी। और उसके बाद सारे जो है सामान जिसका भी मतलब कि भोग लगाना था ना, सारे सामान का यहाँ पे एक प्लेट में रख लिया था। और उसके बाद यहाँ पे माता रानी के सामने पूजा करी जाएगी, और पूजा के बाद जो ये सामान निकाला है ये देखिए आप देख सकते हो, ये सारा सामान यहाँ पे माता रानी के सामने रखा जाएगा, और धीरे धीरे करके उसका भोग लगाया जाएगा। और आप सभी इंजॉय करिए वीडियो को, देखिए आगे क्या होता है। हमारी जो है माता रानी की पूजा वो हो चुकी थी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब भी है, वहाँ पर भी हम जाते हैं हमेशा की तरह ही। और गुरुद्वारा साहिब में भी हम दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ पर भी हम दिए लेकर गए थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो गुरुद्वारा साहिब को बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से सजाया गया है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ देखिए हम दिए लेकर आ गए थे, और ऐसे हुआ ना क्या, हम जल्दी जल्दबाजी में ना दिए घर पे ही भूल कर आ गए। मिठाई वगैरह हम ले आए थे, लेकिन दिए जो हैं वो घर पे ही भूल आए थे। और फिर बाद में हमें हमारी सिस्टर देकर गई थी हमें दिए वहाँ पर। हो जाता है ना कभी कभी, जैसे कि जल्दबाजी में हम कुछ काम करते हैं ना तो कुछ भूल जाते हैं, इसी वजह से मैं भूल गई थी। और उसके बाद ये देखिए गुरुद्वारा साहिब आप बाहर से देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर पटाखे वगैरह जो है आतिशबाजी वो चल रही थी, काफ़ी लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे थे दिवाली को। और मैं दुआ करती हूँ कि सभी के लिए बहुत ही अच्छी दिवाली जाए। और ये देखिए आप अंदर से देख सकते हो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर सकते हो आप सभी। हाथ जोड़ के मैं यही विनती करती हूँ कि आप सभी की दिवाली वो जो है बहुत ही अच्छी जाए, और आगे भी अच्छी आए। उसके बाद हमने रंगोली बनाई, देखिए
हमने रंगोली बनाई है मैंने। इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं बनी लेकिन बना ली मैंने। इधर माही, माही हेलो, मम्मी, भाभी जी, माही, अभी सिस्टर ऊपर बना रही है रंगोली। माता रानी के पाँव बनाए मम्मा। मेरी बारी अभी आनी है। दादी जी देख रहे हैं बैठकर। दादी जी तो बता दे नहीं बताऊं।